हेलो फ्रेंड जय माता दी कैसे आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे होंगे खुश होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी और जिन लोगों की पढ़ाई अभी भी शानदार नहीं चल रही आज के वीडियो के बाद उनकी पढ़ाई भी शानदार चलने लगी होगी क्योंकि आज हम लोग पटवारी में आने वाले या जो प्रीवियस में आए थे जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो करने वाले हैं पच्चीस क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ये प्रैक्टिस सेशन है यहाँ जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे आखिरी में आपको चेक करना है कि आप 25 में से कितने मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं और अगर जीके में अगर आपको 15 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है और आप फिर दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी में बढ़ जाइए क्योंकि जीके बहुत आसान आया था और अभी भी आसान आएगा बस शिद्दत से सही डायरेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत है अगर सही मार्गदर्शक लोग आपको मिल जाएँ जो सही आपको गाइड करें सही डायरेक्शन में आपको बताएँ और पढ़ाएं दोस्तों पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है पढ़ने से सिलेक्शन होता होता तो आज करीब करीब बीस लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो दस लाख लोग पढ़ रहे हैं क्या सबका सिलेक्शन होगा नहीं है पॉसिबल एक सही डायरेक्शन में सही मार्गदर्शन में अगर पढ़ा जाए और क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है क्या छोड़ा जाए तो आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है गुड इवनिंग एवरीवन बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं सपना क्निकल जितेंद्र पंकज पाटीदार ऋषभ गुप्ता बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं चलिए तो दोस्तों आने वाली आगामी परीक्षाओं की बात करें चाहे जेल प्रेरी हो वन रक्षक हो चाहे पटवारी हो पी हो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करने चाह रहे हैं तो परीक्षा पोर्टल ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा पोर्टल ऐप आपके लिए सही डायरेक्शन सही मार्गदर्शक का, का काम करेगा जिससे आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी जय माता दी सुलेखा जी पंकज पाटीदार नमस्ते तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से परीक्षा सॉरी आपको तपोभूमि क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है इसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस आपको अवेलेबल है इसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहे हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट हैं टॉपिक वाइज पी डी एफ नोट्स हैं जो एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वो सब कुछ अवेलेबल है और ये देखिए मध्य प्रदेश की बेस्ट टीम यार आप कह सकते हो मध्य प्रदेश के एक से बढ़कर एक टीचर यहाँ पर अवेलेबल है जैसे इंग्लिश बाय कौशल सर आपको जल्द से जल्द इंग्लिश की भी क्लासेस आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिलेंगी अब अवदेश सर को तो आप लोग जानते ही हैं इसके बाद सिर्फ सर पेपरलेस स्टडी से आपको देखने को मिलेंगे आ, मैं खुद मिलूँगा अजय शर्मा सर आशीष सर दीपक सर ट्विंकल मैम और कुलदीप सर ये जो बेस्ट टीम है देखो आपको आठ सब्जेक्ट और आठों टीचर आपको अवेलेबल हैं सब एक से बढ़कर एक हैं अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं ये आपको देखने को मिलेंगे तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन कोर्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग हमारा प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लें जहाँ आपको मिनिमम कॉस्ट में अच्छा कोर्स देखने को मिलेगा बहुत से लोगों का सवाल होता है सर आ, बाकी सभी लोगों से आपका थोड़ा सा जो आ, कोर्स प्राइस है वो ज़्यादा है तो दोस्तों क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते अगर हम लोग भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करें तो हम भी उसे मिनिमम चार्ज में ला सकते हैं पर हम लोग आपको ऑथेंटिक चीज़ दे रहे हैं इसके साथ साथ मिनी कोर्स अवेलेबल है जैसे आप लोग मैनेजमेंट uh, पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं मात्र एक सौ में उसकी पी भी मिलेंगी उसके टेस्ट भी मिलेंगे और उसके वीडियो रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेज भी मिलेंगी मात्र एक में आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो एक पूरा जीके पढ़ना चाहते हैं तो एक सौ निन्यानवे में हर एक सब्जेक्ट को तो हमने मिनी कोर्सों में बदल दिया है जहां पर एक सौ रुपए में आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं जय जौहर जय माता दी चलिए और टेस्ट सीरीज जहां पर बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं टेस्ट सीरीज में डेली डेली बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं मुझे उम्मीद है कि उस टेस्ट सीरीज का फ्री टेस्ट आप लोगों ने लगाया होगा आपको काफ़ी पसंद आया होगा अभी तक नहीं लगाया तो एप्लीकेशन पर जाइए तब और वहाँ पर फ्री टेस्ट लगा के देखिए और हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा लोग उस टेस्ट को दें जिससे रैंक में आपको मज़ा आए और आप हजारों लोगों में अपनी रैंक देख पाए चलिए गुड इवनिंग अब हम लोग स्टार्ट करना है आज का ये सेशन बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है और सभी को मजा आएगा क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं ठीक है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं देखिए आप सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का पेपर जो हुआ था वो ये उसी का पेपर है यहां पे देखिए पटवारी पेपर ऐसा आएगा सर आपकी मैराथन क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी तपोभूमि क्लासेस पे मिल जाएगी आप तपोभूमि क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें वहां पर मैं माफी चाहता हूं क्षमा चाहता हूं कि मैंने बोल दिया था मैं डाल दूंगा पीडीएफ पर मेरे थोड़ा सा पर्सनल रीजन की वजह से मैं कल भी मेरी क्लास नहीं थी तो मैं नहीं डाल पाया पर आज की क्लास के बाद या कल तक मैं वहां पर आपको अवेलेबल करा दूंगा चलिए देखिए पटवारी पेपर ऐसा आएगा ये हमारा थीम है भोपाल आपदा के दौरान कौन सी ऐसी गैस थी जिसके संपर्क में लोग आए थे और वो दिसंबर का महीना उन्नीस में जहां पर बहुत सारे लोग तबाह हो गए थे बहुत सारे लोग मारे गए थे ऐप में टेस्ट सीरीज में ऐप है ना आपके कोर्स में भी ऐप है ऐप में जाओगी तो भाई टेस्ट सीरीज स्टोर पे ऑप्शन आएगा वहां पर आपको मिल जाएगा पुष्पा बघेल जी वहां पर टेस्ट अवेलेबल है चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक नंबर मजा आ गया सभी के आंसर एकदम सही है यार देखिए आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर हो रही है और इसका जो आंसर है वो मिथाइल आइसोसाइनाइट मिक जिसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइट इज द राइट आंसर और एक सेकंड मैं बोर्ड खोल लूं बोर्ड खोलना भूल गया हूं तो जिससे मैं लिख ही नहीं पाऊंगा अगर मगर कात में हूं मैं खुद की तलाश में हूं देखिए कितनी बढ़िया चीज लिखी है अगर मगर कात में हूं मैं खुद की तलाश में हूं मैं अपने आप की तलाश में हूं बहुत बढ़िया चलिए यहां पर हम लोगों ने हमारा चालू कर लिया है अब हम लोग क्वेश्चन पेपर की तरफ चलेंगे तो पहले का जो आंसर है भाई बहुत ही शानदार आंसर है पहले का सब लोगों ने एकदम आंसर दिया मिक दोस्तों एम आई सी की अगर हम बात करें मिथाइल आइसोसाइनाइट जो थी वो दो से तीन दिसंबर की वो काली रात थी उन्नीस में जब ये भोपाल गैस कांड हुआ था ठीक है ये बहुत ही खतरनाक चीज़ हुई थी इससे हजारों लोग तबाह हो गए थे और हजारों लोगों की डेथ हुई थी चलिए देखिए पूरा इसको मिथाइल आइसोसाइनाइट और इसका अगर हम लोग देखें सी ओ सी एल टू मिथाइल एमिन बिलियन के संयोग से बनता है ये पूरा का पूरा दे रखा है आपको इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे निम्न में से किस भारतीय मूवी को 2017 में ऑस्कर के लिए चुना गया था तो ये जो पेपर है वो 2017 का है उसी हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जयराम जी की विक्रम जी जयराम जी की चलिए बताइए बहुत सिंपल क्वेश्चन है सुल्तान मूवी आई थी उस समय बाहुबली आई थी आ, बिसारा नाई आई थी और काबली आई थी ये चार मूविया थी चार मूवियों में से कौन सी मूवी को ऑस्कर के लिए चुना गया था बताइए जल्दी जल्दी आंसर देना है भाई सभी लोगों को आंसर दीजिए भाई क्या हो गया बहुत बढ़िया सर ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं होगा आप ही बता दीजिए चलो मैं बता देता हूँ दूसरो एक ड्रामा थ्रिल करके एक मूवी थी जिसमें ड्रामा वगैरह बताई क्राइम से रिगार्डिंग एक मूवी थी जिसका नाम था विसरनाई और इसे 2017 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था बाहुबली नहीं थी भैया नाम था उसका सरा नाई ठीक है विसारा नाई नई थी जो विसारा नाई जो मूवी थी इसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था 2017 में एक कैसी मूवी थी आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं देखो विसर नाई का अनुवाद करें तो वो होता है पूछताछ क्या होता है उसका मतलब पूछताछ 2015 में भारतीय तमिल भाषा में क्राइम ड्रामा मूवी थी ये क्राइम ड्रामा मूवी थी इसके निर्देशक थे एम चंद्र कुमार के उपन्यास पे लिखी हुई थी तो ये पिक्चर को क्या था ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था तो आप लोग याद रखना इसको वैसे अभी रिपीट क्वेश्चन नहीं आएगा चलिए अब देखिए यहाँ पर भारत में साहित्य अकेदमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये स्टार वाला क्वेश्चन है ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए सभी लोग बताइए चलिए कोई बात नहीं वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था क्योंकि 2017 के हिसाब से था पर ये क्वेश्चन है एक जनरल क्वेश्चन है ये आपसे बनना चाहिए कि भारत में साहित्य अकेदमी का मुख्यालय कहाँ है वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द साहित्य अकेदमी लोकेटेड इन इंडिया आ, पुणे बेंगलोर हैदराबाद नई दिल्ली हाँ तमिल भाषा में थी इसलिए आपको नहीं पता ऋषभ गुप्ता जी चलिए इसका आंसर बताइए इसका बनना चाहिए और एक बार भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो इस वीडियो की लिंक को आप अपने स्टेटस पे लगा ले व्हाट्सएप पे फेसबुक पे शेयर कर दें जिससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस क्लास के माध्यम से पता कर पाए कि पटवारी का पेपर कैसा आएगा या कैसा आया था चलिए बहुत बढ़िया सभी का आंसर एकदम सही है जिसका आंसर है नई दिल्ली तो ध्यान रखना हमारा भारतीय एकेडमी भारतीय साहित्य एकेडमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है नई दिल्ली में है न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे थोड़े फास्ट करेंगे चलिए बताइए जल्दी से क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है इतना आसान क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जल्दी से आंसर दाग दो इसका आंसर तो जितने भी लोग देख रहे हैं सबको आना चाहिए बताइए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जल्दी से आंसर बताइए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये कौन है दो नंबर वाला भाई राजस्थान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी वाला कौन है यूपी जनसंख्या में माय डियर फ्रेंड यूपी जनसंख्या में है और क्षेत्रफल में राजस्थान है पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध वादक थे बताइए पंडित रविशंकर जो थे वो क्या बजाते थे संतूर तबला सितार या सहनाई बहुत बढ़िया राजस्थान इज द राइट आंसर अब इसका आंसर दीजिए पंडित रविशंकर जो थे वो क्या बजाते थे संतूर तबला सितार या सहनाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई ठीक है पंडित रविशंकर वॉज द फेमस प्लेयर बताओ फिफ्थ का आंसर फिफ्थ का आंसर देना है आपको फटाफट चलिए बहुत बढ़िया इमरोज खान का आंसर एकदम सही है बहुत बढ़िया सितार इज द राइट आंसर सितार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अमेजन का आंसर सही है आर के वर्मा का गलत हो गया ऋषभ गुप्ता का भी गलत है सी सी इज द राइट आंसर सितार बहुत सारे लोगों का एकदम सही आंसर है पंडित रविशंकर प्रसाद क्या बजाते थे भैया सितार बजाते थे नदी नर्मदा के समानांतर बहती है इनमें से कौन सी नदी है जो समानांतर बहती है ग्यारह घंटे की मेरी मैराथन क्लास लेने के बाद अगर ये कोई क्वेश्चन गलत बता रहा है तो उसने मेरी क्लास सही से नहीं ली बताओ भाई नदी नर्मदा के समांतर बहती है बताओ कौन सी नदी है जो नर्मदा के समांतर बहती है चंबल ताप्ती यमुना या बेतवा? चलिए आंसर आने लगा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए ठीक 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 बहुत बढ़िया ताप्ती इज द राइट आंसर सभी का एकदम सही आंसर है ताप्ती और नर्मदा एक दूसरे के समानांतर बहती है रिफ्ट वैली बनाते हुए ठीक है ऐश्वरी बनाती है और खंबाद की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिर जाती है अगला क्वेश्चन आपके सामने है बहुत सरल सा क्वेश्चन है पर्यटन भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थित है चलिए सबका आंसर एकदम सही है इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन देखिए कितना सरल क्वेश्चन है क्वेश्चन कितना सरल है भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान स्थित है चलिए ठाकुर साहब का आंसर सही है अनिकेत सत्यम पाटीदार श्याम पाटीदार सॉरी नमता सत्यम पाटीदार सबका आंसर सही है वाह यार वाह मजा आ गया इसका आंसर दोगे तो मानेंगे यहाँ पे दो लोगों के एकदम आंसर सही आए हैं चलिए अमेजन और अमोज खान का अमरोज है शायद प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ आंसर एकदम सही है ग्वालियर इज द राइट right आंसर ग्वालियर इज द राइट right आंसर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में है भारतीय प्रबंधन पर्यटन एवं प्रबंधन संस्थान कहां पर है ग्वालियर में है इसके बाद आंसर दीजिए निमाड़ उत्सव निमाड़ उत्सव का आनंद किस नदी के तट पर लिया जाता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताइए ऋषभ गुप्ता जी गलत गलत आंसर नहीं देना है लखनऊ कौन दे रहा है आर के वर्मा जी चलिए अब इसका आंसर दो भाई इसका आंसर दो अच्छा इमरोज है वेरी गुड इमरोज है वो एकदम से जाता ना कमेंट फटाफट में पढ़ नहीं पाता कोई बात नहीं इमरोज खान आपका आंसर एकदम सही था पहला भी आंसर सही था इसका आंसर बताइए निमाड़ उत्सव का आनंद कौन सी नदी के तट पर लिया जाता है चंबल ताप्ती महानदी या नर्मदा सपना जाटा बोल रही है नर्मदा बहुत बढ़िया चलो एकदम सही आंसर है नर्मदा नदी इज द राइट आंसर दोस्तों निर्माण जो है खंडवा खरगोन जो है नर्मदा नदी के किनारे है दोनों खंडवा और खरगोन नर्मदा नदी जाती है तो निर्माण उत्सव नर्मदा नदी के किनारे बनेगा बहुत बढ़िया एकदम सही आंसर है देखो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं सरल सरल ग्वालियर किले में गुजरी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था अनंगपाल पाल राजा मानसिंह तोमर पृथ्वीराज चौहान या जयपाल अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार पीडीएफ कहा मिलेगी पप्पू जी पीडीएफ मिलेगी हमारे तपो क्लासेस एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले वहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से फटाफट ग्वालियर के किले में गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था लाइक like कर दो यार सभी लोग श्याम पाटीदार बोल रहे हैं थैंक यू श्याम लाइक like बढ़ाओ यार देखो इकतीस ही लाइक है पचास लोग देख रहे हैं कम से कम आप लाइक तो करो जितने लोग देख रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राजा मानसिंह तोमर राजा मानसिंह जो तोमर थे सॉरी राजा मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी अपनी पति मृगनहनी के लिए ये बनवाया था वो प्यार से उसे गिजरी कहते थे गुजरी महल का निर्माण करवाया था राजा मानसिंह तोमर ने ठीक है एक नंबर बढ़िया सबका आंसर एकदम सही है चलिए अब अगर अच्छा क्वेश्चन है अब इसका जवाब आपको देना है कभी लेखक एवं पत्रकार जो कभी भी है लेखक भी है पत्रकार को हिंदी में उनके कार्य के लिए हिम तरंगणी ये बहुत पूछा जाता है यार सिक्स सेवंथ क्लास में हमने खूब पढ़ा था हिम तरंगणी के लिए पहले साहित्य अकेदमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो कौन है आंसर हरिवंश राय बच्चन मुंशी प्रेमचंद सूर्यांत त्रिपाठी निराला या पंडित माघनलाल चतुर्वेदी आंसर दीजिए इसका भाई उसका सही था मानसिंह सभी का सही था मानसिंह तोमर अब इसका आंसर दीजिए आप लोग आंसर दो फटाफट आंसर दो यार एक नंबर सही आंसर है इमरोज खान ने एकदम सही आंसर दिया है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा कहा जाता है साहित्य की ठीक है इन्हीं का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ भाई हैद होशंगाबाद के पगल में बाबई ग्राम में इनका जन्म हुआ ठीक है क्या नाम इनका पंडित माखनलाल चतुर्वेदी तो यही इज द राइट आंसर के के सूर्यकांत त्रिपाठी गलत है सूर्यकांत त्रिपाठी गलत है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी इज द राइट आंसर उत्तर प्रदेश की दो बृहत नदियां गंगा एवं यमुना कहां पर मिलती है बताओ भाई उत्तर प्रदेश की दो बड़ी बड़ी नदियां जिनका नाम है गंगा एवं यमुना कहाँ मिलती हैं कौन सी जगह इलाहाबाद गोरखपुर कानपुर या वाराणसी ये सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं है उसका माखनलाल चतुर्वेदी है इसका आंसर दो तो जल्दी से कितना सारल क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में ये दोनों नदियाँ गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है खंडवा में किस राइटर का बर्थ हुआ था सर खंडवा में तो किशोर कुमार का हुआ था सिंगर थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इलाहाबाद इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया प्रयागराज हो गया प्रयागराज तो पहले ही इलाहाबाद को इलाहाबादी बोलते थे अब प्रयागराज बोलने लगे तो आंसर क्या आएगा प्रयागराज आप मेरा उदय उदय जी जो हैं क्या लिखा है बरागंज उदय उदय पढ़ लेता हूँ नहीं ले रहे उदय लूंगा आंसर तो दो सही प्रयागराज बहुत बढ़िया देखो इमरोज खान का आंसर सही है आ, आर के वर्मा का आंसर सही है गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग कौन जुड़ा है हमारे साथ शिल्पी सिंह जुड़ी है गुड इवनिंग भारतीय ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताइए जल्दी से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान नहीं सर फेमस राइटर भी है कोई एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा यार गेम्स लवर तुमको आता हो तो बता दो मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है कौन है फेमस राइटर खटवा से बताइए जिम कार्पेट है बरेन गट्ठा है वायसन है या गंगोत्री है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गेम्स ओवर का आंसर सही है पुष्पा बघेल अमेजन जितेंद्र राशि गेम्स लवर सरिता श्याम सबका आंसर सही है जिम कारपेट ठीक है जिम कार्बेट जो है हमारे देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट पर है जिम कार्बेट ये बताओ जल्दी से जिम कार्बेट कहां पर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है किस राज्य में है बताइए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है उत्तराखंड निम्न में से किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है बताइए ऐसा कौन व्यक्ति इनमें से नियुक्तियों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्री शिवाय नमस्ते नमस् नमस्म सर नेहा शर्मा जी ओम नमः शिवाय बहुत बढ़िया यूके में है उत्तराखंड में है ध्यान रखना आप राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी यूपी में है नंदा देवी यूके में है यूपी ने यूके उत्तराखंड चल अब ये बताओ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया वी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है इसमें से बताओ चार में से कौन है भरत शर्मा है अजय सिंह है मुदुल भदौरिया है रोहित जैनेन्द्र जैन है चलिए वो एकदम सही है यूके में है अब इसका आंसर बताओ हेली नेशनल पार्क को ही जिम कार्बोरेट कहते हैं हेली का ही नाम है जिम कार्बेट यार चेंज हो गया है पहले हेली था अब जिम कार्बेट हो गया चलिए इसका जो आंसर है वो है अजय सिंह अजय सिंह देखो उस समय 2017 में पेपर हुआ था तो भी अजय सिंह थे वापस से अजय सिंह को चुन लिया गया है आज प्रेजेंट में अगर हम लोग देखें तो भी अजय सिंह ही है तो फेडरेशन देखो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है उनका नाम है अजय सिंह बहुत बढ़िया बहुत सही भाई बहुत सही कुछ लोगों का गलत है कोई बात नहीं कुछ कुछ क्वेश्चन तो आएंगे आपके राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है ये बताओ भाई राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है एक अक्टूबर इक्कीस कर... अक्टूबर इकतीस अक्टूबर या एक दिसंबर इसका आंसर तो बहुत ही सरल है और सब गुप्ता के गलत हो गए कोई बात नहीं संजू गुर्जर का राजा बानसिंग पहले का क्वेश्चन दे रहे सही है इसका आंसर दो यार बहुत सरल क्वेश्चन है देखिए एकता दिवस एकता दिवस कब मनाया जाता है महाकाल चतुर्वेदी ने बताया है चैनल ने माखन लाल चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी तो होशंगाबाद के पास में है ना हरदा वही है हरदा होशंगाबाद चलिए इसका जो आंसर 31 इकतीस अक्टूबर इस दिन किसका जन्म था दुनिया की सबसे ऊंची एक सौ बयासी मीटर ऊंची दुनिया के स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में कौन है बल्लभ भाई पटेल बल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के दिन बल्लभ भाई पटेल एक मीटर इनकी नर्मदा के किनारे ठीक है कहाँ पर गुजरात में बनाया गया हाँ होशंगाबाद के बाबाई में उनका जन्म हुआ है तो एक मीटर ऊंची जो प्रतिमा है किसकी है वल्लभ भाई पटेल और इन्हीं के जन्मदिन पड़ता है इकतीस अक्टूबर को जिस दिन हम लोग एकता दिवस मनाते हैं बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत के सभी सिनेमा घरों में फीचर फिल्मों की शुरुआत के पहले राष्ट्रीय गान गाया जाएगा अभी आपने देखा होगा जब आप पिक्चर देखने जाते हो तो सभी लोग खड़े होकर राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान गाते हैं सॉरी तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कब दिया था तीस नवंबर 2016, हजार सोलह तीस अक्टूबर दो दिसम्... पंद्रह दिसंबर दो हजार सोलह या पंद्रह नवंबर दो हजार सोलह कब से लागू किया गया था किसानों के सरदार बहुत बढ़िया किसानों के सरदार पृथ्वीराज तनवर तो, कह रहे हैं वल्लभ भाई पटेल चलो इसका आंसर दो तो जल्दी से कि कब से अब बोले सर इतनी डेट थोड़ी याद रहती है देखो उस समय यह बहुत चर्चा में था ना उस समय बहुत चर्चा में था न्यूज में बना था बिल्कुल रात दिन न्यूज में आ रहा था कि सही है कि गलत डिबेट होती थी हाँ मैं वही बता रहा हूं ना ये बहुत डिबेट हो रही थी तीस अक्टूबर दो हजार अक्टूबर या तीस नवंबर दो आंसर है इसका आंसर देख लेते हैं क्या आंसर है तीस नवंबर है सॉरी तीस अक्टूबर नहीं है तीस नवंबर तीस नवंबर दो हजार सोलह को देखो मुझे भी डेट एकदम से एग्जैक्ट याद नहीं तो तीस नवंबर दो हजार सोलह को भारत के ने आ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भारत के सभी सिनेमाघरों में क्या होगी राष्ट्रीय गान चलाया जाए तो ये तीस नवंबर है तो इसको कैसे याद रखना है कि भाई अभी तो याद नहीं रहेगा बहुत पुरानी चीज हो गई पर उस समय न्यूज में बना होता अभी कोई ऐसी डेट है तीस अक्टूबर नहीं है गलत बता दिया मैंने तीस नवंबर है तो जो अभी न्यूज में चल रहा है जो भी चीज चल रही जैसे उज्जैन में लोग वो लोग जगह बनाई ना भगवान शंकर की सभी चीजों का शायद बंद भी हो गया नहीं अभी भी होता है कहीं कहीं कंपलसरी है ये चीजें तो बहुत विवाद में चला था जो भी अभी करंट में न्यूज चलेगी ना तो उससे जैसे चीते आए मोदी जी चीते लेके आए थे कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लेके आए तो ये जो करेंट में जो चीजें चली और बहुत न्यूज में आई ना बहुत ज्यादा जो न्यूज में चीजें आई वो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमें याद रखना होगा तीस नवंबर दो सही है चलो इसके बाद देखो भारतीय रेलवे के पश्चिमी केंद्र क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बनेगा भारतीय रेलवे के पश्चिमी केंद्रीय क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है भोपाल में है सागर जबलपुर या दीबा महालोक हाँ महालोक जो बनाया गया है उससे संबंध क्वेश्चन पूछ सकते हैं महालोक का चीते वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं चीते किस शहर से लेके आए थे किस देश से लेके आए थे सॉरी ठीक है और कौन सी न्यूज़ चली बहुत चली अभी आईपीएल को लेके बहुत सारी न्यूज़ चली और ये बहुत बढ़िया अगर देखो आप डायरेक्शन भी बता दोगे ना देखो ऊपर उत्तर होता है नीचे दक्षिण है इधर क्या है डायरेक्शन भी अगर देखोगे ना आपको ऐसे याद करना देखो भोपाल नहीं है भोपाल सेंटर में सागर है ही नहीं रीवा है ही नहीं तो आंसर क्या आएगा जबलपुर जबलपुर इज़ द राइट आंसर सभी का आंसर एकदम सही है सभी का आंसर एकदम सही है तो डायरेक्शन से कंफ्यूज मत होना देखो अगर डायरेक्शन आप बना लोगे ना इस डायरेक्शन में इधर पूरब में है जबलपुर अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ से कन्फ्यूज हो जाते हैं तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है तो याद रखना है जो पश्चिमी केंद्र है भारतीय रेलवे का पश्चिमी केंद्रीय क्षेत्र जो है वो कौन सा है जबलपुर है जबलपुर इज द राइट आंसर मध्य प्रदेश में कितने जिले हाँ नामिबिया से लाए थे कूनो पालनपुर में बहुत बढ़िया नामिबिया से लाए थे कूनो पालमपुर में एकदम सही आंसर है शिवपुर में कूनो बालपुर राष्ट्रीय उद्यान है आर के वर्मा का एकदम सही आंसर है किसान आंदोलन फर्म कानपुर बहुत बढ़िया ग्यारह अक्टूबर महालोक 11 अक्टूबर को बनाया चलिए जल्दी से आंसर दीजिए यार इसका देखिए तो ये तो गलत है पर उस समय क्या था इक्यावन सही था उस समय के हिसाब से देखे तो कितना था इक्यावन पर अभी कौन सा है बावन क्योंकि पेपर 2017 में हुआ था ये सत्रह का क्वेश्चन है और 2018 में एक नया जिला और बन गया बावनवा जिला जिसका नाम क्या है निवाड़ी नेवाड़ी हमारे बावनवा जिला बना ठीक है बावन जिले हो गए उस समय तो कितने थे इक्यावन थे पुराना के हिसाब से आंसर दे, दे सर सौरभ सूर्या मेरा थोड़ी बर्थडे आज सौरभ सूर्या ने बोला हैप्पी बर्थडे कैसे पता चला मेरा जन्मदिन है चलो विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश में स्थित है बताओ विश्व के विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, बताओ तिरुमला या तिरुपति सिंहाचलम अन्नावरम या सिरसेलम सर निवाड़ी जुड़ा है बावन टोटल हाँ बावन हो गए चलो बहुत बढ़िया तिरुपति बालाजी भाई तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में है कोंडा पे पड़ता है कोंडा मतलब पहाड़ पर तिरुपति बालाजी जो है सबसे अमीर विश्व के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी कभी जाइए आप आंध्र प्रदेश में पड़ता है कौंडा कहा पड़ता है कोंडा कोंडा वहां पर पहाड़ों को बोला जाता है आंध्र प्रदेश में कोंडा का मतलब होता है पहाड़ बहुत बढ़िया तिरुपति बालाजी जो है सबसे अमीर मंदिरों में से एक है जो आंध्र प्रदेश में है एक बंगाली लेखिका एक बंगाली का लेखिका है सुनो जो अपनी नारीवादी विचारधारा के लिए जानी जाती हैं साथ ही जो निर्वासन में रहीं जो निर्वासन में रहीं बताइए इसका आंसर क्या होगा अच्छा क्वेश्चन है उस समय बहुत चर्चित में थी महिला एक बंगाली लेखिका है जो अपनी नारीवादी विचारधारा के लिए जानी जाती हैं साथ ही जो निर्वासन में रहीं अरुंधति राय किरण देसाई सोबर डे या तस्लीमा नसरीन इसका आंसर दो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसका जल्दी से आंसर देना आपको फटाफट ये देखिए यहाँ पर पटवारी का पेपर ऐसा आया था और अब इसी हिसाब से रहेगा कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा बस आपको हर चीज आपको थोड़ी थोड़ी याद करना होगी पूरा एनालिसिस भी हम लोग करेंगे बहुत सारे पेपर लगाने के बाद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने आपको एनालिसिस के साथ बताई थी चीजें तो पूरा के पेपर से हम एनालिसिस ये निकाल सकते हैं कि हर एक टॉपिक कवर किया गया है बहुत बढ़िया इसका है तस्लीमा नसरीन तस्लीमा नसरीन जो है बंगाल की लेखिका है और ये नारीवादी विचारधारा से है तस्लीमा नसरीन याद रखना राजेंद्र प्रसाद प्रजापति का आंसर सही है बहुत सारे लोगों का आंसर सही है सोवा डे नहीं है तस्लीमा नसरीन जो है इज द राइट आंसर फोर्थ इज द राइट आंसर विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है भाई बताओ विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात बताना है और लाइक करो यार जितने लोग देख रहे हैं लाइक तो कर नहीं रहो कितनी बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लेके आए सीरीज लेके आए पटवारी का पेपर ऐसा होगा सीरीज का नाम देखो इसको देख के आपको कम से कम लगेगा कि पटवारी का पेपर कैसा आएगा यार ठीक है जरूरी नहीं कि पटवारी में ऐसे आए आपके वन रक्षक रेल वन रक्षक हो गया आपका जेल प्रेरी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखिए एंजल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है या सबसे ऊंचा जलप्रपात कह सकते हैं एंजल ठीक है और सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है बताओ विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है ये कमेंट में बताना आप लोग विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है गूगल कोई नहीं करेगा देख के बताओ स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र तो भारत की प्रथम महिला राजपाल देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र तो भारत की प्रथम महिला राजपाल कौन थी एंजल फॉल वेनिजुला बहुत बढ़िया गेम्स लवर का एकदम सही आंसर है सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है ये बताना है आपको मदर टेरेसा सरोजनी नायडू एनीवेसेंड या इनमें से कोई नहीं नहीं शुभम शर्मा गलत है सही आंसर दो बहुत बढ़िया विक्टोरिया जलप्रपात साउथ अफ्रीका सोमालिया खान का एकदम सही आंसर है चलिए बहुत बढ़िया सरोजनी नायडू जो थी वो प्रथम महिला राजपाल थी और इन्होंने कहा था कि राजपाल का जो पद है वो एक सोने के पिंजड़े में बंधी हुई चिड़िया है राजपाल की तुलना इन्होंने सॉरी uh, सर आज आंसर नहीं दे पाई नेटवर्क कोई बात नहीं सुलेखा जी तो यहाँ पे देखिए आप सरोजनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और उन्होंने तुलना करी है जो राज्यपाल है वो सोने के पिंजड़े में कैद के, एक चिड़िया है इसके बाद देखिए निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है मेरी जिसने मैराथन क्लास ली होगी वो सही आंसर देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है बताइए जल्दी से कौन सा आंसर है विक्टोरिया फॉल्स बहुत बढ़िया ऋषभ गुप्ता सरोजनी नायडू सही आंसर है अब इसका आंसर दो निम्नलिखित किन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है अफ्रीका में नाइजेरिया बहुत बढ़िया इमरोज खान का एकदम सही आंसर है नाइजेरिया सही 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 अफ्रीका में ही आता है नाइजीरिया चलिए इसका नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान क्या इसका आंसर है नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है ये कहाँ पर है ये एमएच तो में है एमएच बोले तो महाराष्ट्र में ठीक है नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है बांधवगढ़ यहीं है संजय यहीं है माधव यहीं है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम सही आंसर दिए सभी लोग तेईसवे का आंसर दीजिए को भारतीय सिनेमा का पिता के रूप में जाना जाता है हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा हु इज द फादर ऑफ इंडियन cinema? सिनेमा बताइए भारत के अंदर भारतीय फिल्म जगत का पिताजी कौन है पिताजी के रूप में किसे जाना जाता है इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा हु इज द नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा माधव हमारे यहाँ है अच्छा इमरूज खान के यही है माधव राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारी शिवपुरी जो है आप दादा भाई फालके दादा भाई फालके मजा आ गया सबका आंसर सही है दादा साहब फालके अवार्ड भी दिया जाता है और दादा साहब फालके को ही इंडियन सिनेमा के पिताजी कहा जाता है बहुत बढ़िया सभी का आंसर एकदम सही है दादा साहब फालके अगला क्वेश्चन देखिए निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है बहुत ही सरल क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है आंसर दीजिए जल्दी से निमाड़ का पेरिस किसे कहते हैं निमाड़ का पेरिस बताइए नेमाल का पैलेस किसे कहा जाता है दादा साहब के सबका आंसर सही है और जो लोग आंसर गलत दे रहे हैं वो लाइक तो कर दो कम से कम यार बड़ी मेहनत से क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है पी पीपीटी में बनाना पड़ता है मेहनत लगती है सब लोग एक बार लाइक करेंगे यार शेयर भी करेंगे लाइक कर दो जल्दी से फटाफट क्योंकि क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं बढ़िया बड़वानी है बुरहानपुर को बोल रहा है बड़वानी को कहा जाता है गलत है सबका आंसर यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद प्रजापति का आंसर एकदम सही है बड़वानी 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 इज द राइट आंसर बुरहानपुर नहीं है यार बुरहानपुर तो दक्षिणी जिला है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है पर बड़वानी को हम लोग क्या कहते हैं निमाड़ का पेरिस कहते हैं निमाड़ का पेरिस कौन है बड़वानी बुरहानपुर के बगल में ही है बड़वानी को क्या कहा जाता है देखो आंसर बड़वानी है इंदौर में हवाई अड्डे का नाम क्या है देखो हवाई अड्डे से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे इंदौर में हवाई अड्डे का नाम क्या है बताओ जल्दी से इंदौर में जो हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है पृथ्वीराज तनवर का सही है चलो ठीक है ठीक गेम ओवर का भी एकदम सही आंसर था बताओ जल्दी से इंदौर में हवाई अड्डे का नाम क्या है यार राजा भोज टर्मिनल राजा माता विजय राजिया देवी अहिल्याई होलकर अड्डा या डुमना हवाई अड्डा चलिए बहुत बढ़िया एकदम मजा आ गया इसका आंसर है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि इंदौर में अब समय आ गया है बताना है आपको 25 में से कितने मार्क्स आए तो ईमानदारी से बताना है पच्चीस में से कितने मार्क्स आए आप लोगों को बहुत बढ़िया देवी अल्लाह आंसर सही है पच्चीस में से ऐसे कितने आज के विजेता हैं जिनको बीस में से प्लस नंबर आए बीस प्लस कितने लोगों के हैं ईमानदारी से बताएंगे वो आज के विनर रहेंगे और पंद्रह से कम कितने को आए उनको मेहनत करने की जरूरत है यार पंद्रह से बीस के बीच में है बढ़िया चल रही उनकी पढ़ाई बहुत बढ़िया तो यहाँ पर देखो पच्चीस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर में सब ग्रुप टू ग्रुप टू और सब ग्रुप फोर में आए थे वही हम लोगों ने कराए यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे थे कि पच्चीस में से कितने आ सकते हैं आप आशीष मिश्रा अनूपपुर पांच मार्क्स ही आए यार बहुत गलत पंकज पाटीदार को बीस है योगेश टेलर को बाईस बहुत बढ़िया पुष्पा बघेल के बारह गलत हो गए चौबीस आए मेरे सैड वंदा ये कभी तो मैंने आंसर तो सुने ही नहीं थे राज सर मेरे लेट हो क्लास ज्वाइन करी थी कोई बात नहीं पंकज पाटीदार के बीस है कौशल लोधी के बीस हैं और राहुल के इक्कीस है बहुत बढ़िया योगेश टेलर के बाईस क्वेश्चन आंसर सही सैड बंदा के जो हैं सैड बंदा जो दुखी बंदा है चौबीस नंबर आए गजब भैया गजब गोविंद ठाकुर के पच्चीस में से पच्चीस सही है बहुत बढ़िया ज़्यादा फेंक दी ना फेंकना नहीं है यार जो ईमानदारी से जो नंबर आए वो ही बताना है सर मेरे अभी ज्वाइन किया है कोई बात नहीं आशीष मिश्रा जी आप देख लीजिए पृथ्वीराज तनवर के उन्नीस नंबर है बहुत ही शानदार यार देखो अगर आप लोग सही बता रहे हैं जिन लोगों के 25 में से 25 आए तो कंपटीशन कितना तगड़ा है देखिए 25 में से 25 नंबर लेके आ रहे हैं लोग अलीरा अच्छा अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं राजेश धुड़वे जी हमारे साथ जुड़े हैं निधि गुप्ता सर मेरे बहुत बेड में क्लास ली थी तो मेरे पंद्रह पांच ही सही निकले कोई बात नहीं है पूरी क्लास देख लेना आप सर मेरे उन्नीस हैं पृथ्वीराज तनवर के उन्नीस हैं सेठ बंदा वाई के कितने हैं चौबीस आए है। चलो तो भाई आप कितने ईमानदार हो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है तो मैं ये बताना चाहूंगा अगर जिनको पंद्रह से लेकर बीस के बीच में नंबर आ रहे हैं वो सही ट्रैक पे हैं वो सही ट्रैक पे हैं उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पर ऐसे जो है जिनको पंद्रह से कम आ रहे हैं ना यार उनको थोड़ी मेहनत करना होगी ठीक है मेहनत करिए आप लोग उमरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं राजेंद्र प्रसाद प्रजापति जी और पृथ्वीराज तनवर सर मेरे राजेंद्र से अच्छा आप राजगढ़ से हो बहुत बढ़िया भाई पृथ्वीराज राजगढ़ से हैं तो यहाँ पे देखो पंद्रह से बीस के बीच में जितने भी लोगों के आ रहे हैं ना वो सही ट्रैक पे हैं बढ़िया मेहनत चल रही है उनकी पर पंद्रह से कम नंबर वाले हो थोड़ा सा आप मेहनत करना पड़ेगी और जो बीस से नंबर ज़्यादा ला रहे हैं वही सलूट आपकी अच्छी तैयारी है टेंशन ना लें बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान दें आपका हो जाएगा सर कोई जी के पूछो कोई भी जी के पूछ लो आपसे बहुत बढ़िया यार अच्छा है आंसर आपका जल्दी से बताओ मैं कहाँ से बोल रहा हूँ एक जीके का क्वेश्चन है अजय सर कहाँ से बोल रहे हैं सर जी के पूछो ना जी के इतने देर से तो हम लोग पढ़ा रहे थे जी के अब हम लोग कल क्लास लेंगे सात से साढ़े सात आठ बजे तक रहेगी कल अलग पच्चीस क्वेश्चन आएंगे उसमें से देखेंगे सेट बंदा जो है कितने नंबर लेके आएगा अमरकंटक से हूँ अच्छा ऋषभ गुप्ता अमरकंटक से वाह यार विदिशा मतलब आप लोग मध्य प्रदेश के सभी जिलों से हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यार ठीक है झूठ किसी को नहीं बोलना सच नंबर बताना है अच्छा 2017 में एक मंथ की तैयारी से बासठ मार्क्स आए थे बहुत बढ़िया गजब अब पढ़ाई करो तैयारी करो दबा के अच्छे से तैयारी करो आपको अच्छे नंबर आ जाएंगे ठीक है तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग ना तपोभूमि क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां से आप टेस्ट दो एक फ्री टेस्ट है वहां पर फ्री टेस्ट आप लोग दोगे तो अपनी तैयारी आपको बेहतर होगी उस फ्री वाले टेस्ट को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो दिलवाना जिस पर रैंक पता चल जाए अच्छा मैराथन आपने ली थी कितने लोगों ने मेरी मैराथन क्लास ली थी और उसकी पीडीएफ चाहते हैं ना आप तो तपोभूमि क्लास ऐप डाउनलोड कर लेना वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी बहुत शानदार पीडीएफ है मजा आएगा जिन लोगों ने नहीं देखी तो 11 घंटे की मैराथन क्लास थी एमपी पी जी के आप जाके वो देखें आपको बहुत अच्छी लगेगी सपना जी ने काउंट नहीं करे काउंट कर लीजिए ना चलिए जय माता दी जय हिंद रात्रि सब मिलते हैं हम लोग कल सात बजे सभी लोग जरूर आना और वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा लाइक करके जाना है सब लोगों को ना चलिए थैंक यू सो मच मिलते हैं कल बाय बाय थैंक यू